ऐसे दोस्तों एक और ब्लॉग में स्वागत है और मैं इस समय हूँ जंगल में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के जंगल में। और मैं क्यों आया हूँ, क्योंकि दिल्ली के जंगलों में छुपा हुआ है एक महल। इस महल को बोला जाता है मालचा महल और इसकी कहानी बहुत ही अच्छी है। यानी जो लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं उन्हें भी इस महल के बारे में पता नहीं होगा। बहुत ही इंटरेस्ट कहानी है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको ये ब्लॉग दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो छुपा हुआ महल वो कैसा है। तो दोस्तों मालचा महल आने के लिए ये रास्ता है दिल्ली भूकेंद्र, यहाँ पर आप देख सकते हो दिल्ली पुलिस के बोर्ड लगे हुए हैं और इसी के जंगल के अंदर हम जाने वाले हैं। यही एक रास्ता है दोस्तों, ये बहुत ही घना जंगल है। और मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप एक बंदा या दो बंदा नहीं आए। और ये जो महल है इसी के अंदर, जो मैंने बताया था कि विलायत महल रहा करती थी और उनके दो बच्चे यानी एक लड़की और एक लड़का। इस जंगल में आओगे तो आपको बंदर मिलेंगे और जानवर भी मिलेंगे। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊँ तो यहाँ आप बंदर देख सकते हो, बंदर हैं, बैल भी हैं। और इसी रास्ते में फ़िलहाल हम ही दो लोग हैं इस समय जो सुनसान है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एक्चुअली दो रास्ते हैं कि कहाँ से रास्ता दिखाई दे रहा है और हमें यहाँ से थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं कि हम रास्ता कहाँ। थोड़ा आगे चल के देखते हैं फिर देखते हैं। हल्का सा यार पसीने एकदम ऐसे छूट रहे हैं ना, चारों तरफ इतनी आवाज़ें हो रही हैं अजीब अजीब तरह की। हाँ दिखाई दिया आगे दिखाई दिया दोस्तों। हमें वहाँ सामने आप देखोगे ध्यान से तो वहाँ से हमें कुछ महल सा दिखाई दिया है, तो वहाँ जाके देखते हैं कि एक्चुअल में वो महल है या फिर क्या मामला। दीवार तो दिखाई दी है, दरगाह बताइए किसी ने। अच्छा किसी ने दरगाह बताई है। ये दीवारें हैं इधर, ये हाँ ये दरगाह है, ये दरगाह है। ये गेट बंद है यहाँ का, मालचा महल है बट पास में पहले लेफ्ट साइड में दरगाह है। अब थोड़ा हमें सुकून से मिल रहा है कि यहाँ दरगाह है, इसका मतलब जो है बहुत ज्यादा डर लग रहा है, सही बता रहा हूँ। आज हमने पंगा ले लिया, बेफालतू में दो बंदे नहीं आना। ये दरगाह है और इसका भी लॉक लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है वो दूसरा रास्ता है। तो यहाँ से एक बाइक आए तो भी दिखाई दिया, थोड़ा हमारा डर खत्म हुआ है। ये बाइक आए तो आते हुए दिखाई दिया, पता नहीं क्यों दोस्तों इस समय हमें डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ बंदर हैं और बहुत सारे जानवर हैं। आप देख सकते हो सड़क के चारों तरफ जानवर हैं और हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है जंगल में घूमने का, क्योंकि मैं और मेरे साहिल भाई हैं, यहाँ और कोई भी नहीं। तो देखते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और बहुत ज़्यादा अब ये पता नहीं है जानवर किस तरह के हैं, क्या नुकसान दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं, बट हम जा रहे हैं। खैर अब तुम्हारी हमारी हिम्मत थोड़ी सी बढ़ी है क्योंकि आगे हमें एक कार दिखाई दी है, तो थोड़ा मन सा लग रहा है। तो फाइनली दोस्तों हमें वो रास्ता मिल चुका है, यानी एक मंजिल पूरी हो चुकी है, उसी के बाद एक रास्ता हो रहा है। मैं दिखाना चाहता हूँ, देखो मैं पीछे देखोगे जहाँ साहिल भाई वहाँ से एक रास्ता है, तो वो रास्ता विलायत महल में जाता है। वहाँ नो एंट्री थी लेकिन अब वो बोर्ड हट गया है वहाँ से, तो वहाँ मैं लेके चलता हूँ। ये दूसरी आपकी मंजिल है। तो दोस्तों ये फाइनली ये गेट है, आप देख सकते हो ये सामने, उधर भी एक गेट लगा हुआ है, ये गेट, यहाँ से हमें फिर अंदर जाना है। इसी के अगर सामने दिखाना चाहूँ तो ये सामने का नज़ारा है और इस रोड को क्रॉस करके आए हैं, तो ये वो रास्ता है जहाँ से हमें अंदर और जाना है। तो अभी हम इस रास्ते के अंदर जा रहे हैं जहाँ से हम उस महल पर जा सकते हैं, मालचा महल पर। बहुत घना जंगल है चारों तरफ, ये देख दो या अल्लाह रहम कर। यहाँ कभी भी आप आएँ तो 15-20 मिनट से ज़्यादा ना रुकें। और मैं अभी दोबारा रिकमेंड कर रहा हूँ, 4-5 लोग आएँ उससे कम नहीं आएँ। यहाँ पर ही अवध के नवाब रहते थे, जो लास्ट नवाब थे, और इसी महल में रहते थे। यही उनका इंतकाल हुआ था और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25-30 साल जो है इसी महल में गुजारे थे। बहुत घना जंगल है आप देख सकते हो, फाइनली हमें महल दिख गया है। इसके सामने कौन से पेड़ है भाई? कैक्टस। ये हैं, ओहो। तो फाइनली ये हमें महल दिख चुका है, ये देखो ये महल है, ये महल, इसके अंदर भी जाएंगे हम। अब मैं यहाँ क्यों लाया हूँ ये मैं आपको बताऊँगा, बट पहले महल देख लीजिए। ये महल है, दिल्ली के अंदर इतना बड़ा महल, यानी जंगलों के अंदर किसी को पता भी नहीं होगा, इसलिए इस जगह को हिडन प्लेस बोला जाता है।
और इसके चारों तरफ देखोगे तो जंगल ही जंगल है। ये देखिए चारों तरफ जंगल है, वैरीगेटिंग लगा दी है। अब दोस्तों हम इस महल पर ऊपर चढ़ने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको वो हिस्ट्री बताऊंगा आखिर इस महल में क्यों लेकर आया हूँ। ओफो ये वो महल है। तो दोस्तों फाइनली मैं आपको ये महल क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि ये महल में एक ऐसी स्टोरी दबी है जिस स्टोरी को दफन कर दिया गया है, और ये हिडन प्लेस है दिल्ली का। आपको दिल्ली के जंगल में ये महल शायद आपने पहले नहीं देखा होगा। इस कहानी के पीछे क्या है, ये कहानी है अवध के जो नवाब थे उनका लास्ट का दौर यहाँ बड़ा मुफलिसी में गुजरा और बहुत ज़्यादा बेकारी में गुजरा। आपको पता होगा जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस समय पहले चाहे वो राजकुमार हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो नवाब हो, उनकी पेंशन को बंद कर दिया था। और हुआ क्या था, इसी के बाद जो लखनऊ के की जो रानी थी यानी नवाब थे जिनका नाम था बिलायत महल और अपनी एक लड़की और लड़के के साथ, लड़के का नाम था शकीना महल और लड़के का नाम था राजा महल, इन तीनों मतलब तीन लोग थे ये, और ये दिल्ली में आकर बस गए। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर रहे, यहाँ इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सरकार ने कहा वापस जाओ, उन्होंने कहा हम वापस नहीं जाएंगे, हम दिल्ली आए हैं और दिल्ली में हम आम इंसान की तरह नहीं रहेंगे, सरकार को हमारा इंतजाम करना चाहिए। इन्होंने लगातार 9 साल तक प्रोटेस्ट किया, जान से मरने की धमकी दी, आत्महत्या करने की कोशिश की। लास्ट में इंदिरा गांधी को झुकना पड़ा और इंदिरा गांधी ने इनसे ये कहा कि हम आपको DDA वाला फ्लैट देते हैं, सरकारी फ्लैट देते हैं। इन्होंने कहा नहीं, हम नवाब हैं और हम नवाबी से गुजारी है, हम आम इंसान की तरह नहीं रह सकते। फिर इनके लिए महल खोजा गया, तो इन्हें एक ऐसा महल चाहिए था जो महल के आसपास कोई लोग ना रहते हों। तो ये जो महल जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये महल एक्चुअल में जो बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था 700 साल पहले यानी 1300 शताब्दी में। ये जो महल बनाया था उन्होंने जंगलों के बीच, ये शिकार करने के लिए बनाया था, इसलिए इसको शिकारगाह भी बोला जाता है। ये महल इनको इंदिरा गांधी ने दिया और ये भी प्रोमिस किया कि हम आपको लाइट भी देंगे, पानी भी देंगे, लेकिन यहाँ कोई भी चीज़ नहीं मिल पाई। यहाँ उनकी मतलब रानी रहा करती थी, बिलायत महल रहा करती थी, उनकी लड़की रहा करती थी, लड़का रहा करता था। यहाँ किसी का भी आना मना था, कोई नहीं आ सकता था। इनके पास 10 जो है शिकारी कुत्ते थे, माउजर थी, कोई आता था तो ये डराते थे। लास्ट में ये हुआ कि उनकी माँ ख़त्म हो गई, उसके बाद लड़का और लड़की का दौर बहुत बुरा गुजरा, सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं। बताते हैं कि खाने के लिए इनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। लास्ट में बताते हैं कि लोगों का सबसे बड़ा अचंभा ये था कि इनके पास पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि किसी के अंदर एंट्री नहीं थी, कोई आ नहीं सकता था। लास्ट में इनके पास एक कुत्ता बताता था। यहाँ के आसपास के लोग ये कहते हैं कि हमने कभी इनको आते जाते नहीं देखा, कभी हफ्ते में कभी आते जाते देखा था, लेकिन ये किसी से मिलते नहीं थे, बहुत मुफलिसी वाला दौर था इनका। लास्ट में क्या हुआ, अपनी आन के लिए इनकी सोच ये थी कि हम कॉमन इंसान की तरह नहीं रह सकते, तो अपनी आन के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 15-20 साल यहाँ गुजारे और यहीं वो ख़त्म हो गए, लेकिन वो बाहर किसी से नहीं मिले, किसी भी आम इंसान से नहीं मिले, और अपनी ज़िंदगी को शाही अंदाज में रखा। तो मैं इस महल को मैं घुमाने वाला हूँ, ये देख सकते हो ये ऊपर जाने का रास्ता है, बट मैं आपको नीचे से दिखाना चाहूँ पहले। ये देख सकते हो ये सुमसान है। 2017 तक यहाँ किसी की एंट्री बंद थी, यानी कोई भी इस महल में आ भी नहीं सकता था। अब तो इसकी साफ़ सफाई हो चुकी है, पहले साफ़ सफाई भी नहीं थी, यहाँ कोई भी नहीं आता है। इस महल के अंदर हम दो ही लोग हैं, मैं हूँ और मेरे साहिल भाई हैं, और लेकिन वाली हमें इतना डर लग रहा है कि हम आपको बता भी नहीं सकते। ये लास्ट वाला पोर्शन है, ये पीछे का रास्ता है, ये देखोगे ये पीछे का रास्ता है, और ये पूरा इनका महल है। तो दोस्तों इस समय इनका पूरा महल खाली पड़ा है, लेकिन 2017 तक इनका कुछ सामान हुआ करता था, खाने पीने रहने सहने का, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये नीचे इनका तख्त पड़ा हुआ है, जो तख्त मैं आपको दिखाया है। अगर मैं इधर दिखाऊँ तो ये इनका संदूक पड़ा हुआ है, और इधर भी ये संदूक पड़ा हुआ है। 2017 तक यहाँ सामान हुआ करता था, बट सामान नहीं है, यानी 2017 में जब वो ख़त्म हो गए थे उसके बाद यहाँ लोगों ने आना शुरू किया, उससे पहले यहाँ कोई भी नहीं आ सकता था, किसी को आना अलाउ ही नहीं था। बहुत ही डरावनी जगह है, बट यहाँ आप आ सकते हो, 4-5 लोगों के साथ ही आओ, सिंगल तो आप खुद ही नहीं आ पाओगे। अगर मैं दूसरी साइड दिखाना चाहूँ तो ये यहाँ से मैं बाहर निकल रहा हूँ, ये देख सकते हो ये आग है जहाँ रोटी बनाया करते थे, यानी क्योंकि उस समय गैस का तो इंतज़ाम था नहीं। हालांकि सरकार ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको गैस भी देंगे, पानी भी देंगे, बट सारी चीज़ें कुछ मिल नहीं पाई, उनका लास्ट दौर था ये। और ये इधर देखोगे तो ये जाले का गेट है, यानी उस समय ये गेट लगा हुआ होता था। मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ कुछ सामान पड़ा हुआ है लोहे का, अगर देखोगे तो ध्यान से वो जाली उली कुछ रखी हुई है,
यानी जिसमें सामान रखा करते थे, यानी ये 2017 तक सामान हुआ करता था यहाँ, नहीं है। आप इधर देखोगे तो दोस्तों, इधर देखो, ये ध्यान आ गया, ये कुर्सी है। देखो दोस्तों ध्यान से, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये दोस्तों जीना है जिससे हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर देखते हैं। चलो साहिल भाई आराम से, आवाज़ आ रही है, चमगादड़ भी हैं बिल्डिंग में। चलो 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 चलो, सही लग रहा है, ठीक है, लग रहा है बहुत ज़्यादा। मैं चल रहा हूँ, आओ साहिल भाई आ जाओ। या अल्लाह, ओहो। तो दोस्तों ये महल के ऊपर है, ये यहाँ का नज़ारा है। ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे साफ़ सफाई हुई है अभी कुछ समय पहले, ये देख सकते हो साफ़ सफाई हुई है। इसके मतलब जीने काफ़ी हैं, एक जीना ये है, एक जीना ये है, और एक जीना ये है, और उधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, यानी महल के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और दोस्तों बताना चाहता हूँ, ये जो एक्चुअल में महल जो बनाया था, ये फिरोज़ शाह तुगलक ने बनाया था शिकार करने के लिए, इसलिए जंगलों के बीचों बीच बनाया था। अगर देखोगे तो चारों तरफ जंगल ही है, ये देखो, ये चारों तरफ जंगल है, ये देखो, तो गाइस इस समय मैं छत के ऊपर ही, यानी महल के ऊपर ही यहाँ खड़ा हुआ हूँ। लेकिन मानिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है, इमोशनल भी हुआ, थोड़ा डर भी लगा मुझे आकर के। और यहाँ बड़ी ऐसी ऐसी आवाज़ आ रही है, अगर देखो मेरे पीछे सारा का सारा जंगल है, ये देखो। और इंशाल्लाह मिलता हूँ नए ब्लॉग के साथ, बहुत ही अच्छा ब्लॉग रहा, एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो एटलीस्ट 4-5 लड़कों के साथ आएँ, बहुत ही आपको यहाँ आकर ना एक आप इमोशनल हो जाओगे, आपको लगेगा यार हमारे जो नवाब रहे हैं उनकी ज़िंदगी कैसी रही है, उनका लाइफस्टाइल कैसा रहा है। लास्ट का जो टफ टाइम था उनका, वाकई में बहुत ज़्यादा रोनाले वाला है, और सब कुछ तहस नहस हो गया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी आन के लिए, शान के लिए एक ऐसी ज़िंदगी जी जो कि किसी इंसान के लिए जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मिलता हूँ नए ब्लॉग के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।